हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये सीखते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट गूगल एडसेंस फ्रॉम इनवैलिड क्लिक। इनवैलिड क्लिक का मसला काफ़ी सारे लोगों को झेलना पड़ रहा है, यानी कि काफ़ी सारे मेरे यूट्यूबर हैं, व्यूअर हैं, जो हमसे पूछते हैं, सर मेरा चैनल सस्पेंड कर दिया गया है विदाउट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे जो चैनल पे बैड एक्टिविटीज हुआ है, यानी इनवैलिड क्लिक हुआ है, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएँ या फिर कैसे इसे हम बच पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि CTR रेट क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सो प्लीज़, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी बात आती है कि CTR रेट क्या होता है। तो CTR रेट का फुल फॉर्म होता है क्लिक थॉट रेट, यानी कि कितने एडवर्टाइज शो हुए, कितने एडवर्टाइज पे क्लिक हुए। सपोज करिए आपके YouTube चैनल पे 100 एडवर्टाइज शो हुए जिसपे से 15 क्लिक हुआ, यानी कि 15% CTR आपका बढ़ गया। तो YouTube का जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें 15% से ऊपर अगर CTR रेट बढ़ता है तो YouTube को लगता है कि आप खुद उनके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, जिसके वजह से आप पैसे कमाने के नाते ऐड पे बार बार क्लिक कर रहे हैं, तो वो आपके चैनल को सस्पेंड कर देता है विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन दिए। तो आपको कैसे बचना है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आपका CTR 3% से लेकर के 5% 10% तक रहता है तो आपका Google AdSense अकाउंट सिक्योर है, आपका चैनल सस्पेंड नहीं होगा, आपका YouTube जो Google AdSense अकाउंट है वो भी सिक्योर होगा। तो उसको आपको मैनेज कैसे करना है, आपको पर डे आप Google AdSense को चेक करिए। चेक करने के बाद आप वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करिए कि कितने परसेंट हमारा अप हुआ, कितना CTR डाउन हुआ। ये सारी चीज़ें जब आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका CTR मैनेज है, 3 से 5%, 8% भी पे भी है तो आपका CTR मैनेज है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चैनल बंद होने वाला नहीं है। अगर आपका 10% से ऊपर की लेवल जब बढ़ती है CTR का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने YouTube चैनल पे जाना होगा, वीडियो मैनेजर में जाकर के आपको मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर देना होगा 2 से 3 दिन के लिए। फिर आपको CTR रेट चेक करना होगा, जब आपका CTR रेट डाउन होगा तब आप उसे फिर से इनेबल कर सकते हैं। ये रहा आपको पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि जब आपके जो वीडियो होते हैं ये CTR रेट कब बढ़ते हैं, बढ़ते तब हैं जब आपके कोई कंपटीटर होता है, जब आपका चैनल ग्रो करता है तो आपके चैनल पे जाता है, जो ऐड शो होते हैं उस ऐड पे बार बार क्लिक करता है कि आपका चैनल बंद हो जाए, सस्पेंड हो जाए, तो ये होता है कि आपका CTR रेट बढ़ने के कारण। दूसरा कारण ये होता है कि जब आप मोनेटाइजेशन इनेबल करते हैं तो आप स्किप वीडियो पे ऐड लगाते हैं, ऐड पे टिक करते हैं कि जो आपका स्किप वाले वीडियो जो आपके यूट्यूब चैनल पे शो होते हैं, आप जो पॉपुलर वीडियो होता है, जब आपका CTR रेट बढ़े तो आप वहाँ पे स्किप वीडियो के ऑप्शन को आप टिक मार हटा दीजिए, क्योंकि आजकल सारे कंप्यूटर्स आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, टीवी में भी लोग आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो कोई स्किप नहीं करना चाहता, यानी जो वीडियो आपका चलता है जब पूरा वीडियो लोग देख लेते हैं तो वो आपका जो गूगल एडसेंस होता है, जो CTR होता है, वो मान लेता है कि इस पे एक क्लिक हो चुका है, तो उसको आप जो पॉपुलर वीडियो है उस पे आप स्किप वाले ऐड को ऑप्शन को आप वहां से हटा सकते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपका CTR रेट अगर आपका ज़्यादा बढ़ने लगता है, ज़्यादा आपका अप होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको YouTube पे जाना है। YouTube पे जाने के बाद आपको चेक करना है Google AdSense पे कि कहाँ से, किस IP एड्रेस से ज़्यादा हमारा जो CTR रेट बढ़ रहा है, उस IP को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं कि उस IP पे ऐड शो ही ना हो, तो ये भी आप एक तरीके से आप इसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा सोलूशंस है कि आप अपने चैनल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आपका चैनल इन फ्यूचर कभी भी इनवैलिड क्लिक के नाते बंद ना हो। तो इस वीडियो में बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक यू।